वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी 7। इस वीडियो में हम बात करने वाले अमेरिकन बास्केटबॉल लीग का जो मैच खेला जाने वाला है फोनिक्स वर्सेस सैन एंटोनियो स्पर्स के बीच में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइनअप में कोई अगर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं तो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने आपको देकर रखी है कमेंट बॉक्स में। और उसी के साथ साथ अगर लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RBFantasy7, सेम लोगो वाला आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहीं पर फाइनल अपडेट और विजन ओलिंग की टीम आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बात करेंगे आज के मैचेस के बारे में। दोनों टीम में अगर कंपैरिजन करें तो फोनिक्स आज का मैच अपने होम में खेले और सैन एंटोनियो स्पर्स खेले अवे मैचेस यानी अपने होम से बाहर। अभी तक सैन एंटोनियो स्पर्स अपने पहले दो मैचेस अपने होम में खेले थे और काफ़ी अच्छे तरीके से ये टीम खेले, एक मैच जीता भी था। लेकिन जैसे अपने होम से बाहर गई, लास्ट मैच खेली थी अपना अवे मैचेस यानी अपने होम से बाहर, टोटली इनके प्लेयर फ्लॉप रहे थे, इनके सभी मिलियन प्लेयर की तरफ से परफॉर्मेंस आया ही नहीं था। और आज का मैच भी अपने घर से बाहर खेल रही है टीम, तो ज़्यादा आप सरप्राइज मत होना अगर इस टीम की तरफ से दो तीन इनके मेन प्लेयर आज के मैचेस में भी फ्लॉप हो गए। बाकी फोनिक्स की तरफ से अभी भी इंजरी अपडेट्स बहुत सारे, इनके मेन प्लेयर खेल नहीं रहे, इनका गार्ड अभी भी वीक है, लेकिन फिर भी इस टीम की तरफ से शूटिंग से लास्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस आया था क्योंकि अपने होम में खेल रही है। अगर बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप के बारे में, सबसे पहले फोनिक्स जो कि अपने होम में खेले, फोनिक्स की तरफ से इनके सबसे मेन प्लेयर जो थे यहाँ पर बकर और उसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रेडली बिल, दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर अवेलेबल नहीं है, यानी इनका पूरा जो गार्ड पोजीशन की स्ट्रेंथ है वो अनअवेलेबल है। तो इनकी जगह पर जो स्टार्टिंग लाइनअप में प्लेयर रहेंगे और उन जिनका रोल इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेंगे जॉर्ज अलिन और गोर्डन जो कि कंटिन्यूसली शूटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और शूटिंग के लिए जा रहे हैं स्पेशली और एग्रेसिव शॉट्स ले रहे हैं। जॉर्ज अलिन बैककोर्ट से थ्री पॉइंट शूटर प्लेयर है, फर्स्ट क्वार्टर टोटली फ्लॉप रहा था लास्ट मैचेस में, लेकिन सेकंड क्वार्टर में आकर इनकी तरफ से शूटिंग बहुत अच्छी हुई थी, तो इनको बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट मत करना। बाकी यहाँ पर गोर्डन की तरफ से फील्ड गोल से तो ऑलरेडी गोर्डन बहुत ज़्यादा शॉट्स आपको लेते हुए देखने को मिल रहे हैं और दोनों में कंपेरिजन भी आप कर लेना। गोर्डन फिलहाल यहाँ पर एक सेफ पिक है, जॉर्ज अलिन थोड़ी सी रिस्की पिक आपके लिए रहेंगी। यह रही इस टीम की तरफ से गार्ड पोजिशन, अगर बकर और उसी के साथ साथ ब्रेडली बिल नहीं खेल रहे तो सीधे सीधा आप गॉडविंग को बैन से बहुत अच्छा टाइम खेलते हुए देखने को मिलेगा और वो लास्ट मैचेस में और कंटिन्यूसली पिछले दो मैचेस में देखने को मिला भी है। तो इस प्लेयर पर ध्यान रखना, बैन से खेलेंगे लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओकुंगवी जो कि स्मॉल फॉरवर्ड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, पावर फॉरवर्ड पोजीशन से स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। काइली ड्यूरांट और नोट की स्टार्ट करेंगे सेंटर पोजीशन से। टीम की स्टार्टिंग लाइनअप टीम का मेन प्लेयर रहेंगे ड्यूरांट और उसी के साथ साथ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे नूरकिस। नूरकिस की तरफ से लास्ट मैचेस में भी शूटिंग से इतना कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं था, लेकिन इस प्लेयर पर ध्यान रखना क्योंकि आप ऑलरेडी इनके पास बकर अवेलेबल है, तो नूरकिस के अगर शॉट्स थोड़े भी अच्छे कनेक्ट हो पाते हैं तो ये प्लेयर आपको बहुत अच्छे पॉइंट देकर देंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर ये प्लेयर आपको हर एक मैचेस में रिबाउंड से डिसेंट से पॉइंट दे रहे हैं और ज़्यादा कुछ क्रेडिट इशू नहीं, ज़्यादा हाई क्रेडिट का प्लेयर नहीं, तो आपके लिए एक डिफॉल्ट फिक्स स्मॉल लीग के लिए सेफ फिक। गोर्डन को आप लेकर चले जाना, गोर्डन को इसलिए भी लेकर चले जाना क्योंकि ये प्लेयर फील्ड गोल से बहुत अच्छे शॉट्स ले रहा है और कोई प्लेयर फील्ड गोल से अगर कोई अच्छे शॉट्स ले रहा है तो इसका मतलब भी वो शॉट्स के लिए ट्राई कर रहा है एटलीस्ट, तो उसके चलते ये आपके लिए एक डिसेंसिव पिक रहेंगे। ओकुंगवी का पिछले दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छा रहा था लेकिन लास्ट मैचेस फ्लॉप होकर आए, अपने होम में परफॉर्मेंस दिया नहीं है, लो क्रेडिट के प्लेयर है, अगर क्रेडिट इशू होता तो डेफिनेटली ट्राई कर लेना। और फिर से कहूँगा जॉर्ज अलिन फिर से एक ऐसे प्लेयर है जिन पर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर अच्छी विनिंग कर सकते हो क्योंकि सभी गोल्डन के साथ आएंगे, आप आज का मैचेस में डिफरेंशिएट जाना चाहते हो तो जॉर्ज अलिन के साथ चले जाना। इस टीम की तरफ से बेंच स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करें तो गॉडविन इनके एक इंपॉर्टेंट बेंच प्लेयर जो कि सबसे ज़्यादा टाइम खेलेंगे, उसके बाद एबंगस जो कि यहाँ पर बैकअप सेंटर है जो कि मोस्टली नूरकिस के सब्स्टिट्यूशन पर आपको खेलते हुए देखने को मिलेंगे, इफ और अनलेस नूरकिस अगर फाउल ट्रबल कर देते उस सिनेरियोज में इनको अच्छा टाइम मिलेगा। वेतना वो इनके पास अवेलेबल है और इनके पास अवेलेबल है इंगम्बस उसी के साथ साथ लिटल, तो ये कुछ इस टीम की तरफ से बेंच प्लेयर है लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है यहाँ पर गॉडविन। बाकी आपके लिए लिटल रिस्की पिक रहेंगे, वेतना वो बहुत ज़्यादा रिस्की पिक रहेंगे और बंगस थोड़े से एक डिसेंट से पिक रहेंगे, जिनको यहाँ पर आप ट्राई करना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना जो कि खेलेंगे बेंच से और डिसेंट सा टाइम, जो कि गॉडविन आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए भी अच्छी पिक है और स्मॉल लीग के लिए भी अच्छी पिक है क्योंकि बैन से हमेशा से इस प्लेयर की तरफ से परफॉर्मेंस आया जब जब बकर अनअवेलेबल रहे। बाकी अगर यहाँ पर बात करेंगे सैन एंटोनियो स्पर्स की तरफ से जो स्टार्टिंग लाइनअप रहेंगी, सेम स्टार्टिंग लाइनअप पर कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे नहीं। वेसल सेलेक्ट करेंगे पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड पोजीशन से स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे केल्डन जॉनसन। विक्टर वेम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है अभी तक, सोचन जो कि यहाँ पर कंटिन्यूसली एक डिफेंसिव प्लेयर है वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देकर चले जाते हैं। और कोलिन स्टार्ट करेंगे सेंटर से। टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप टीम के जो मेन प्लेयर है वो यहाँ पर केल्डन जॉनसन, वेसल और कोलिन, ये टीम के स्टार प्लेयर है।
लेकिन इस सीज़न में जो परफॉर्मेंस आया प्लेयर की तरफ से वो आया है विक्टर की तरफ से, और ये भी प्लेयर आने वाले सीज़न में या फिर आने वाले मैचेस में एक क्रेडिट बढ़ता हुआ प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। चार इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम की तरफ से, सोचन भी एक काफ़ी अच्छी चॉइस है। लास्ट मैचेस में हालांकि परफॉर्मेंस आया नहीं था, लेकिन जो इनकी सभी स्टार्टिंग लाइनअप है एक ही प्लेयर पर रिलायबल ने, एक ही कोई बड़ा प्लेयर ने सभी प्लेयर की तरफ सभी प्लेयर के ऊपर रिलायबल है। इसी के चलते अगर यहाँ पर आप देखेंगे फील्ड गोल से सभी प्लेयर शॉट्स लेते हैं, बाकी सोचन की तरफ से लास्ट मैचेस में शॉट्स आए नहीं थे। जिस मैचेस में परफॉर्मेंस आया वो रहा था सेकंड लास्ट मैच, वहाँ पर भी अगर यहाँ पर आप देखेंगे फील्ड गोल से सभी प्लेयर इक्वली मोस्टली इक्वली शॉट्स ले रहे, तो सभी प्लेयर इंपॉर्टेंट है। किसी को लेना ही चाहते तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। बाकी मैंने कोहलिंग को अपने टीम में रखा है क्योंकि सेंटर से खेल रहे एक तो, और इस प्लेयर की तरफ से कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस भी आ रहा है। केएल राहुल को मैंने अपने टीम में रखा है, चाहो तो आप वेसल को रख सकते हो, लेकिन वेसल के लिए जो मैनेज करना चाहता हूँ मैं जो पोजीशन वो कर नहीं पा रहा हूँ, बाकी वेसल काफ़ी अच्छी चॉइस है। सोचन को ड्रॉप करने का मैंने रिस्क लिया क्योंकि लास्ट मैचेस में परफॉर्मेंस आया नहीं, और मेरे टीम में रहेंगे विक्टर, तो मेरे टीम में जो प्लेयर रहेंगे वो रहेंगे कोलिन, विक्टर और उसी के साथ साथ केल्डन जॉन्स। इन तीन प्लेयर को मैं अपने टीम में रख रहा हूँ। टीम की तरफ से बैंच प्लेयर के बारे में अगर यहाँ पर बात करेंगे तो बैंच से जो परफॉर्मेंस आ रहा है वो आ रहा है ट्रे जॉन्स की तरफ से, उसके बाद परफॉर्मेंस आ रहा है केल्डन जॉन्स की तरफ, केल्डन ओस्मान की तरफ से। ओस्मान एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट से और मैं आपको मिल जाएगा, ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई कर लेना। यही दोनों इस टीम की तरफ से एक अच्छे प्लेयर है। बाकी अगर यहाँ पर बात करेंगे मैकडॉर्मॉट, इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आ रहा है। मलिक ब्रह्मन, अगर थोड़े से क्रेडिट इनके भी हाई है, इनको ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। और कोलिंग के जो सब्सिट्यूशन पर प्लेयर आता है वो आता है बेसी, बेसी को अगर यहाँ पर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन कोलिन स्टार्टिंग लाइनअप पे बहुत अच्छा ट्राई खेलते हैं, तो यहाँ पर बेसी के जो टाइम मिलने के चांसेस है वो थोड़े से कम रहते हैं, कंपेरेटिवली इनको थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। ट्रे जॉन्स टीम के मेन प्लेयर है और स्पेशली यहाँ पर एक बॉल हैंडलर है। टीम की तरफ से परफॉर्मेंस आया तो इस प्लेयर की तरफ से भी परफॉर्मेंस आएगा क्योंकि बॉल हैंडलर आपको मैक्सिमम असिस्ट से बहुत अच्छे पॉइंट देता है। अगर टीम की तरफ से शूटिंग भी फ्लॉप हो गए तो ट्रे जॉनसन की तरफ से असिस्ट आएंगे ही नहीं। बाकी अगर यहाँ पर क्रेडिट सेवरों के साथ जाना चाहते हो तो ओस्मान के साथ चले जाना, मैकडॉर्मॉट थ्री पॉइंटर शूटर है, ज़्यादा इनको टाइम आप खेलते हुए देखने को नहीं, इनको ज़्यादा टाइम खेलते हुए नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर टीम की तरफ से मेन प्लेयर जो खेलेंगे बैंक से वो खेलेंगे ट्रे जॉन्स, उसके बाद ओस्मान। ये सेकंड लास्ट मैचेस का परफॉर्मेंस, लास्ट मैचेस में अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो असिस्ट कम आए वो आए ट्रे जॉन्स की तरफ से, क्योंकि टीम की तरफ से परफॉर्मेंस ही नहीं आया, शूटिंग में ज़्यादा कुछ खास अभी तक इन्होंने किया ही नहीं है। मलिक ब्रह्मा की तरफ से परफॉर्मेंस आया और ओस्मान की तरफ से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट मैचेस में आया है। बेसली की तरफ से एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस, टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप और टीम की तरफ से बैंच 10 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस करेंगे हमारे क्या कुछ रहेंगे आज के मैचेस के लिए स्मॉल लीग की टीम। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो यहाँ पर ड्यूरांट, जो कि हमारे रहने वाले आज के मैचेस में यसपी। मैंने अपने टीम में नूरकिस को रखा है, स्मॉल फॉरवर्ड पोजीशन से केल्डन जॉन्स को मैंने अपने टीम में रखा है। अगर केल्डन जॉन्स को मैं ड्रॉप करता हूँ तो सीधे सीधे यहाँ पर ओकुंगा को आप पिक कर लेना। फिलहाल मुझे यहाँ पर केल्डन जॉन्स पर थोड़ा सा आज के मैचेस में भरोसा है और ओकुंगा से अच्छे प्लेयर मुझे मिल रहे, तो उसकी वजह से मैंने अपने टीम में केल्डन जॉन्स को रखा है। वेसल आपके लिए काफ़ी एक डिसेंट सी पिक यहाँ से मिल जाएंगी। फिलहाल मैंने अपने टीम में गोर्डन को रखा है, गोर्डन के साथ साथ मैंने अपने टीम में रखा है यहाँ पर गॉडविन को, जो कि खेलते हुए देखने को मिलेंगे आपको एज अ बेंच प्लेयर। वेसल को मैनेज कर रहा हूँ, वेसल को मैंने अपने टीम में रखा है। बाकी बचेंगे यहाँ पर जो क्रेडिट, उसमें यहाँ पर वैन मिक को मैंने अपने टीम में रखा है 11.5 क्रेडिट में। कोलिन मुझे काफ़ी अच्छी चॉइस लग रही है, जो कि खेलेंगे बैंक से, इनको मैंने मैनेज रखा है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सैन एंटोनियस फोर की तरफ से जो सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको मैंने अपने टीम में रखा है। सैन एंटोनियस फोर की तरफ से कोलिन भी टीम में, कोल्डन जॉन्स भी टीम में और वेसल भी टीम में, तो तीनों इंपॉर्टेंट मेरे टीम में आ गए और उसी के साथ साथ वैनमिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर किसी एक प्लेयर को ड्रॉप किया है तो वो ड्रॉप किया मैंने सोचों को, क्योंकि सोचों की तरफ से एक तो लास्ट मैचेस में भी परफॉर्मेंस नहीं आया और अभी मैचेस खेल रहे, तो यहाँ पर मुझे इससे भी ज़्यादा उम्मीदें, इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है इन प्लेयर की तरफ से भी। लेकिन जो प्लेयर, जो टीम अपने होम में खेल रहे उसमें यहाँ पर ड्यूरांट इंपॉर्टेंट रहेंगे, गोर्डन जो कि स्टार्टिंग लाइनअप पर रहेंगे और नूरकिस खेलेंगे एज ए यहाँ पर स्टार्टर, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ज़्यादा टाइम नहीं खेलते लेकिन कम टाइम में भी आपको बहुत अच्छे पॉइंट देंगे। गॉडविन ही एक लौते ऐसे प्लेयर है इस टीम में जो कि खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर, लेकिन ये भी प्लेयर मोस्टली आपको 25 प्लस मिनट खेलता हुआ देखने को मिलेगा। टीम में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो कोलिन पर आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन कोलिन पर अगर यहाँ पर आपको रिस्क लेना है तो आप ट्राई करेंगे किसी,
ट्राई करना है तो यहाँ पर फोन इसकी तरफ से किसी एक प्लेयर को ट्राई कर लेना है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की रहेंगे। लेकिन अगर ट्राई करने हैं आपको तो आपके लिए एक अलीम पिक रहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की पिक रहेंगे। फिलहाल ये मेरी डेमो ड्रिवल टीम, इससे ज़्यादा सेफ टीम मुझे लग नहीं रहे। एसपी जो रहेंगे सबके डिफॉल्ट एसपी आपको देखने को मिलेंगे, काइली ड्यूरांट। लेकिन पीपी में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम रहेंगी क्योंकि पीपी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। वैनमिक को बना सकते हो, केल्डन जॉन्स को बना सकते हो, विसल को बना सकते हो या फिर नूरकिस को बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास पीपी में अवेलेबल है और मोस्टली पीपी आपकी मैच डिसाइड करेंगे। फिलहाल मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये वैनमिक पर आप रिस्क ले लेना क्योंकि ये प्लेयर रिबाउंड से भी पॉइंट दे रहे हैं कंटिन्यूसली, और उसी के साथ साथ यहाँ पर शूटिंग भी इनकी अच्छी रही है। या फिर वेसल सेकंड बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन से जो वाइस कैप्टन के लिए वो है यहाँ पर वैनमिक, और वेसल है सेकंड ऑप्शन एज ए यहाँ पर पीपी के लिए। फिलहाल मैंने यहाँ पर वैनमिक को पीपी बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें पीपी डिसाइड कर लेना। और सेलेक्शन परसेंटेज भी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो वैनमिक का बहुत ज़्यादा है। डेमो ड्रिवन टीम मोस्टली फाइनल टीम में टीम सेव कर कर रख लेना। अगर लाइनअप में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं तो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।